यानी अपने साहब और दीदी के बात बताए रास्ते पर चलेंगे और अपना मंजिल अपना गंतव्य अपना गति शिव को मानकर हम चूल्हा चौका कोई भी काम करें, हम धाम की पटरी करें, हम ऑफिस का काम करें, बस मन में शिव को अपना गुरु माने। जो साहब श्री ने बताया हम सबको, बस वही हमारे नैया को पार लगाएगा। आइए अपने पापी मन को समझाइए कि छोड़ दिन पाप के कमाई रे दूसरे के लिए। अगर दूसरे के बारे में हम बात करेंगे, अन्यथा बात करेंगे, दूसरे के लिए गंदा सोचेंगे, इससे अच्छा है उस दिल में उस रसिया शिव को क्यों ना बिठा लिया जाए और अपने मन से रिक्वेस्ट किया जाए कि छोड़ देना पाप के कमाई रे मितवा, छोड़ देना पाप के कमाई रे मितवा, कि मेहनत के मेहनत के मेहनत के रोटिया मिटाई रे एक दिन ऐसा जीवन में आएगा कि दीदी अगर गलत रास्ते पे हम सब रात दिन नौ छह के चक्कर में पड़े रहते हैं, अपनों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, नहीं हमारा गुरु सिखाएगा, हमारे गुरु शिव से जुड़ेंगे हम तन मन से, तो गुरु हमारे मन को क्या समझाएगा कि पाप के कमाई तो अरे मुंह फैली तू तो लुगाई रे मितवा, मुंह फैली तू तो लुगाई रे मितवा, मुंह फैली तू तो लुगाई रे मितवा, छोड़ देना पाप के कमाई रे मितवा, छोड़ देना पाप के कमाई रे मितवा, मेहनत के रोटिया मिठाई रे कहने का मतलब कि जब हम लोग गुरु नहीं बनाए थे शिव को तो ये अज्ञानता हम सबके बीच में था। अब तो हमको अपने आप को सुधारना चाहिए कि कितना हूँ हम अज्ञानता बस धन कमा ले, अगर पाप की तुमली से कितना हूँ राजा बन जाए, लेकिन वो सब भोगेगा परिवार, लेकिन कान खोल करके शिव से सुन ले कि पाप के कमाई सब कोई खाई, लेकिन पाप का भागी खुद आपको होना पड़ेगा, क्योंकि वहां जाइएगा ना आपने आपने गांठ संभाल बांधो होगी ना पैसा उधार दे। अरे खूब कई ले है ना के दी घपला घोटाला, चोर ले जी जी दिया लाख जाने काला रे लाख बने काला, नेता जी को देखिए आज करोड़पति है लाखपति है, लेकिन दीदी अपने कर्मों के अनुसार कोई जेल में है तो कोई कहाँ है, सब धरा यही रह जाएगा। हमारे साहब श्री रास्ता दिखा के चले गए दीदी, जिससे अच्छा रास्ता कहीं नहीं मिलेगा। खूब कई ले है ना तेरी लगी, जब सब छोड़ के जी के चली गई बा, अरे पावे लगी शहर पहुंचाई रे मितवा, पावे लगी शहर पहुंचाई रे मितवा, पावे लगी शहर पहुंचाई रे
के हमें के रोटियां मिठाई रे मिठावा मेहनत के रोटियां मिठाई रे मिठावा। इस भजन का लास्ट कड़ी है कि ये अज्ञानता बस होते रह गया, खूब हेरा फेरी हुआ, खूब नोचो के फेरा रहा, एक छोटे से आर के, छोटे से खेत के लिए, आर भर के जमीन के लिए, एक बीते जमीन के लिए भाई भाई का गला देता, ये सब अज्ञानता बस, जबकि सब छोड़ करके यहीं से जाते, यहीं पे जाना है। तो दीदी जब शिव को गुरु हमने माने तो गुरु क्या सिखलाते हैं, ये करुणा के अवतार है, ये बीस पीते हैं और दूसरों को अमृत देते हैं, ये दूसरों को भला करते हैं, अगर मन में भी हम लोग गंदे विचार लाते हैं ना दूसरे के प्रति तो वे सुनने वाले हैं। इसलिए हम सबको सोचना चाहिए कि इसके सीसी कैमरा में सब कैद हो रहा है, अगर हम किसी और के बारे में गलत बात भी करते हैं तो ये सुन रहा है, दिख रहा है। तो शिव गुरु क्या सिखा रहे हैं, सच धन सेवा सो विचार सब सिखार हो, व्यर्थ न जाइ तो क्या यहाँ से लेकर के जाना है, अरे प्रेम रतन प्रेम रतन धन पाले रे Oh,